फर्स्ट टाइम आई वी सक्सेस जी हाँ हर दंपत्ति का हर डॉक्टर का यही सपना रहता है कि जब भी कोई दंपत्ति टेस्टिव बेबी ट्रीटमेंट कराए तो पहली ही बार में कंसीव हो जाए फर्स्ट टाइम में ही आई वी सक्सेसफुल हो जाए इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत तक देखने पर आपको पता चलेगा बहुत सारे ऐसे मिथ्स बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो आपके आई साइकिल को सक्सेसफुल बनाने में मददगार होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे ऐसी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है यानी आईवीएफ का जो प्रोसीजर है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर है यानी एम्ब्रियो बाहर बनाने का प्रोसीजर है जाहिर सी बात है कि इसकी जो सफलता है वो इस बात में है कि एम्ब्रियो कितने अच्छे बनते हैं इन एम्ब्रियोस को जब हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो ये एम्ब्रियो इम्प्लांट होंगे कि नहीं ये एक बिल्कुल अलग मसला है और अनफॉर्चुनेटली आई का सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करता है तो आइए जानते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जिसे डॉक्टर और पेशेंट अपनी तरफ से कर सकता है जिससे एम्ब्रियोस का इम्प्लांटेशन हो सके और आई जो है वो जल्दी से जल्दी सफल हो सके इम्प्लांटेशन को समझने के लिए मानिए कि यदि एक बीज है हम उसे जमीन में अगर डालते हैं तो उससे अंकुरित वो होगा कि नहीं उसका पौधा निकलेगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा बीज की गुणवत्ता के ऊपर ज़मीन कितनी अच्छी है इसके ऊपर और वातावरण किस तरह का है इसके ऊपर ठीक उसी तरह से आई का जो सक्सेस है वो भी इन्हीं तीन बातों पे डिपेंड करेगा आपका भ्रूण कितना अच्छा बना है यूट्रस की लेयर कितनी अच्छी प्रिपेयर्ड है और शरीर की अंदर की स्थिति इंटरनल एनवायरनमेंट किस तरह का है यही डिसाइड करेगा कि आई सक्सेसफुल होगा कि नहीं तो जाहिर सी बात है यदि हम फर्स्ट टाइम आई सक्सेस चाहते हैं तो हमें तीन चीज़ों पर ध्यान करना है सबसे पहला एक बहुत अच्छा एम्ब्रियो क्रिएट करना है एम्ब्रियो क्रिएट करने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं एक अच्छे गुणवत्ता का स्पर्म अच्छी क्वालिटी का एग और बहुत अच्छी लैब की गुणवत्ता क्योंकि लैब के अंदर ही स्पर्म और एग जो है वो फ्यूज होकर और एम्ब्रियो का अर्ली डेवलपमेंट होगा इसीलिए आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ध्यान रखिए और ये डॉक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि हम स्पर्म क्वालिटी जितना संभव है इम्प्रूव कर सकें एग्स की गुणवत्ता चाहे वो सप्लीमेंट्स से हो वेट लॉस से हो डाइट से हो हम जितनी संभव है साइकिल करने से पहले इम्प्रूव कर सकें साथ ही साथ आईवीएफ में सबसे अच्छे क्वालिटी के इंजेक्शन यूज़ करें क्योंकि ये इंजेक्शंस उस फर्टिलाइजर की तरह है जो इस एग्स को ग्रो करने में मदद करेंगे जब हमें एक अच्छा एग और अच्छा स्पर्म मिल गया है तो इसमें एम्ब्रियोलॉजिस्ट की कुशलता का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो कितनी सफाई से इक्सी का प्रोसीजर करके इस एम्ब्रियो को बनाते हैं कितने ध्यान से इस एम्ब्रियो का कल्चर किया गया है लैब में एयर क्वालिटी किस तरह की है कितनी गुणवत्ता है कल्चर मीडिया की ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण है फर्स्ट टाइम आई सक्सेस के लिए दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात इम्प्लांटेशन डिपेंड करेगा जो यूट्रस की लेयर है उसकी गुणवत्ता पर कई बार आईवीएफ सेंटर्स में यूट्रस की लाइनिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता कई बार पेशेंट्स बिना हिस्ट्रोस्कोपी बिना लेप्रोस्कोपी बिना प्रॉपर सोनोग्राफी के आईवीएफ के लिए आ जाते हैं ये सही नहीं है यूट्रस के अंदर की जो लेयर है उसकी गुणवत्ता जब तक अच्छी नहीं होगी एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो शरीर के अंदर का वातावरण है शरीर के अंदर के वातावरण का मतलब है हार्मोन्स का संतुलन आपका थारॉइड का लेवल आपका प्रोलैक्टिन का लेवल आपके शुगर्स का लेवल आपका ब्लड प्रेशर आपका वज़न ये सब नॉर्मल रेंज में नॉर्मल अनुपात में होना चाहिए यदि इसमें कोई भी डिस्टरबेंस है तो ये कहीं ना कहीं एम्ब्रियो इम्प्लान्टशन को अफेक्ट कर सकता है इसलिए अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना अपने हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज करना और बहुत इंपॉर्टेंट अपनी मेंटल हेल्थ और अपना मेंटल बैलेंस रखना आई की गुणवत्ता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे जितना आप हेल्दी रहेंगे उतने आपके आई के चांसेस बढ़ जाएंगे अब हमने ये तीनों चीजों के ऊपर काम किया है परंतु उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है एक ह्यूमन एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन रेट 15 से 20 प्रतिशत होता है यानी कि एक एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस ह्यूमन बींग्स ने भगवान ने 15 से 25 प्रतिशत ही बनाया है हम अधिक से अधिक दो एम्ब्रियोज या कुछ केसेस में तीन एम्ब्रिय ट्रांसफर करते हैं इसीलिए सब कुछ सही होने के बाद भी ये संभव नहीं है कि हर व्यक्ति को पहले आई साइकिल में ही सफलता मिल जाए इसीलिए ध्यान रखिए फर्स्ट टाइम आई सक्सेस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल हमें हो सकता है एक कदम चलना पड़े हो सकता है हमें दो कदम चलना पड़े हो सकता है हमें कभी कभी तीसरी बार भी ट्रांसफर पे जाना पड़े परंतु कुछ केसेस में एक लक फैक्टर है एक ऑकल्ट फैक्टर है जिसे अभी तक साइंस भी नहीं जानता इसीलिए दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसा आई सेंटर नहीं है जो ये गारंटी कर सके कि हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम आई सक्सेस हो जाता है परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करना छोड़ दें हमें अपनी तरफ से हर वो बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़ जो हमारे सक्सेस को अफेक्ट कर सकती है उसकी तरफ ध्यान देना है साथ ही हमें वेल इन्फॉर्म्ड रहना है हमें अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इसी दिशा में मेरा ये प्रयास है कि इस तरह के वीडियोस मैं लगातार आप तक बनाती रहूँ और पहुँचाती रहूँ धन्यवाद